Hello and hey guys, to welcome to another Indian Bike Training 3 again. तो आज हम सुबह उठ चुके हैं, तो आज मुझे याद आया कि मुझे ZX10R का शोरूम बाई करना है, तो जल्दी ही अलमारी में जाकर कपड़े बदल लेते। पहले टाइम देख लिया मैंने, कपड़े बदल भी लिए। अब अपन चलते हैं शोरूम के पास, तो अब अपन ले लेते हैं अपनी बाइक, तो अब चढ़ जाते हैं, हेलमेट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम 100 की स्पीड में भगा लेते हैं बाइक को, स्टंट मारते हुए चलते हैं। अब ये बंदा थकता थकता बचा, अब मैं मेरे और पैसे लग जाते, तो मैं इसे फुल स्पीड में भगा कर ले जाते हैं शोरूम के पास। तो फाइनली यहाँ से थोड़ी दूरी ये बचा है शोरूम, इसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया मुझे। तो हम पहुँच गए शोरूम पर, अब यहाँ पर अपनी बाइक को खड़ी कर देते हैं। हम शोरूम के मालिक को फ़ोन करते हैं, फाइनली शोरूम का मालिक आ चुका है। अरे ये मालिक तो बूढ़ा हो चुका है भाई। अब हम इससे बात करते हैं, इसने मुझे बीच रोड में पूरा शोरूम देने की बात की है बाइक उसने, तो मैं इसे रुपये भेज देता हूँ ईमेल के जरिए। तो अभी ये शोरूम हो चुका है हमारा, तो हम बाइकें देख लेते हैं कितनी बाइकें हैं हमारे पास। भाई बहुत ज़्यादा बाइकें हैं, 20 करोड़ में दे दी, मुझे बहुत डिस्काउंट मिला इन पर। और अब हम इन्हें बहुत महंगे रेट पर बेचने वाले, जिससे हमें मुनाफा भी होगा। तभी कुछ देर बाद में एक अमीर बाप आता है, वो अपने बेटे के लिए एक ZX10R लेने की बात कहता है। तो मैं उसे बहुत महंगी बेचता हूँ, वो लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस बाइक ने मैंने कमा लिए 20 लाख मुनाफा। तो इसने मुझे पैसे सेंड कर दिए, अपलोड कर दिया मैंने उसकी गाड़ी पर ZX10R को। अब हम उसे भेज देते हैं, तो अब अपन शोरूम पर खड़े रहते हैं और बंदों को इंतजार करते हैं। तो हम काउंटर पर खड़े हो जाते हैं अपन, तो बाइक की तो बहुत गजब लग रही है भाई, क्या शाइनिंग कर रही है बाइक की। तो कुछ देर बाद में एक बंदा भाग कर मेरे पास आता है, वो मेरे से शोरूम खरीदने के लिए कहता है। तो मैं शोरूम का प्राइस उसे 50 करोड़ बताता हूँ और वो हाँ भर देता है। तो अब उसने सेंड कर दिया, मुझे मैसेज भी आ चुका। अब हम सौंप देते हैं इसे शोरूम की कीज, तो अब हम ZX10R को ले जाते हैं और इसे दे देते हैं अपनी टीम के फैमिली। तो मैं ZX10R लेने जाता हूँ, तो ये भाग कर गुस्से में आता, तो मैं कहता हूँ ये बाइक मेरी है, फिर मैं 100 की स्पीड में भगा कर ले जाता हूँ घर की ओर। तो इस पर क्या खतरनाक कट लग रही है भाई, स्टंट भी तगड़ी हो रही है, इसके ब्रेक बहुत खतरनाक है भाई, सेकेंडों में लग जाते हैं। तो अब हम इसका इंटीरियर दिखाते हुए चलते हैं भाई। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं घर पर, यहाँ से निकालते हमारा घर आ जाएगा। ब्रेक जब क्या खतरनाक है भाई, अब जल्दी से यहाँ से आराम से हमसे मुड़ कर बिठला देते, नहीं तो गिर जाएंगे। अब जल्दी से उतर जाते हैं, ये बाइक के लिए स्टैंड ख़राब है इसका, इसे दोबारा ट्राई करते हैं, स्टैंड इसका ढीला हो गया नहीं लाने से पहले ही। तो अब ये सही खड़ी हो चुकी है बाइक, तो अब जल्दी से भाग के घर के अंदर चले जाते हैं। तो अब हम घर के अंदर जाते हैं और जल्दी से घर के कपड़े बदल लेते हैं। तो हम फोन में टाइम देख के कपड़े बदल लिए, अब जल्दी से बेड पर जाकर रेस्ट कर लेते हैं। तो अगली बार हम फरारी का शोरूम खरीदने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी मेरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।